तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुविघ्नन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 80 24 मई 1884 उस दिन उसके पहले फलाहारिणी काली पूजा थी और उसके बाद नाटक इत्यादि रात्रि को हुए थे। नाटक करने वाले नाटककार विद्या आए थे और उसके बाद उनके जाने के बाद फिर श्री राम कृष्ण भक्तों से बातचीत करते रहे। दो भक्त महिलाएं आई थी, दोनों दो भाइयों की पत्नियां थी, भक्तिमती थी, बिना खाए पिए आई थी। श्री राम कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उसके साथ ही साथ और भी जो दूसरे लोग वहां पर थे उनसे वे बातचीत करने लगे। वह शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। 5 बजे का दिन का समय होगा। अधर डॉक्टर निताई मास्टर दो एक भक्त बैठे हुए थे और श्री राम कृष्ण उनसे बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप कर रहे थे। उसके बाद केशव चंद्र सेन की बातचीत चली। किस प्रकार केशव चंद्र सेन उनके पास आया करते थे, कैसे उनसे मुलाकात हुई, किस प्रकार केशव चंद्र सेन श्री राम कृष्ण से प्रभावित होकर हरिनाम करने लगे और उसके बाद श्री राम कृष्ण ने उनसे कहा था भागवत भक्त भगवान बोलो, फिर कहा गुरु कृष्ण वैष्णव। तब केशव ने कहा था कि महाराज ऐसा बोलने से लोग हमें कट्टर वैष्णव समझेंगे। इसके बाद केशव से उन्होंने कहा था श्री राम कृष्ण ने गृहस्थी में रहना, रहकर साधन करना बड़ा कठिन है, इसलिए बीच बीच में निर्जन में जाकर ध्यान जप करना चाहिए। इतनी चर्चा, इतनी बातचीत हम पढ़कर उस पर हम विचार कर चुके हैं। अब श्री राम कृष्ण आगे केशव के बारे में ही बात करते हैं। केशव चंद्र सेन बंगाल के बहुत प्रसिद्ध धर्म नेता थे, ब्राह्म समाज के नेता थे, क्वीन विक्टोरिया उनकी लेक्चर सुनती थी इत्यादि। वही बात श्री राम कृष्ण कह रहे हैं। कहते हैं देखो, केशव इतना बड़ा पंडित अंग्रेजी में लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे। स्वयं साम्राज्ञी विक्टोरिया ने उसके साथ बैठकर बातचीत की है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो गया उस जमाने में, जब क्वीन विक्टोरिया का भारत में राज्य था, उसने केशव चंद्र का सम्मान किया। परंतु जब वह यहां आता था तो नंगे बदन, साधुओं का दर्शन करना हो तो हाथ में कुछ लाना चाहिए, इसलिए फल हाथ में लेकर आता था, बिल्कुल अभिमान शून्य। ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है, जिनको इतने लोग मानते हैं। बंगाल में नाम है, कल अमेरिका इंग्लैंड तक नाम चला गया। वह इतना विनम्र, श्री राम कृष्ण की महानता को पहचाने, पहले दिन से ही श्री राम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गया। ये बहुत बड़ी बात, ये अहंकार का नाश होना, अहंकार कम होना, ये भगवान की विशेष कृपा से होता है, विशेष कृपा से। कहते हैं कि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, जो भक्त और साधक होते हैं, जिन पर भगवान प्रसन्न होते हैं, उनमें वे काम का थोड़ा सा दोष रखते, थोड़ा सा, जरा सा काम वासना, लस्ट थोड़ा सा रख देते हैं। और उस साधक को यह ज्ञान दे देते हैं
उस साधक को यह चेतना या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस दे देते हैं कि मुझ में काम है, तब वो व्यक्ति घबराता रहता है, लगता रहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। उच्च कोटि का साधक है लेकिन उसे हमेशा लगता रहता है कि अरे मुझ में तो काम है, वो विनम्र बना रहता है। विनम्र बनाने के लिए भगवान उस व्यक्ति के मन में दोष दर्शन का भाव बता रखते, स्वयं के दोष देखना। मां शारदा जो कहती है स्वयं के दोष देखो, दोष दूसरे का नहीं स्वयं के दोष देखो, और स्वयं के दोष देखने पर हमें विनम्रता आएगी। एक साधक के संबंध में मैं जानता हूं, एक गुरु के पास जाते थे और बात बात में ऐसी बात उठी कि आजकल के लड़के, उस युवक ने साधक शुरू में गुरु से कहा कि आजकल के जो युवक हैं उनकी आदतें बिगड़ती चली जा रही हैं। तो गुरुजी ने तत्काल कहा, इज इट नॉट योर ईगो स्पीकिंग, क्या तुम्हारा अहंकार नहीं है जो ये बात कर रहा है, क्या तुम अहंकार के द्वारा प्रेरित होकर ये बात नहीं कर रहे हो क्या? तो साधक युवक चुप रहा, उसके बाद कहा हां स्वामी जी, ये तो मेरा अहंकार बोल रहा। तब स्वामी जी कहते हैं, माय बॉय, यू हैव द ग्रेट क्वालिटी ऑफ सीइंग योर फॉल्ट्स, अपने दोषों को जानने की, देखने की तुम में बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, योर फ्यूचर इज ब्राइट। जो व्यक्ति अपने दोषों को जान सके, देख सके, उसका आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा होगा, उसके लक्षण बहुत अच्छे। क्यों? अपने वो दोषों को देखकर दूर करने का प्रयत्न करेगा, विनम्र बना रहे, ये दो बातें हो जाती। पता नहीं केशव चंद्र सेन क्यों हुआ, लेकिन उनको स्पष्ट है केशव चंद्र सेन कोई सामान्य साधक नहीं होंगे जो श्री रामकृष्ण को पहली बार में पहचान गए। श्री रामकृष्ण के पास कितने सारे लोग आया करते थे, सबने तो श्री रामकृष्ण को नहीं पहचाना, कुछ कम लोगों ने ही पहचाना, और पहचान कर उसके बाद में श्री रामकृष्ण का प्रचार, नाम कर प्रसार प्रचार किया। स्वयं आते थे, दूसरों को श्री रामकृष्ण के पास भेजते थे, ईर्ष्या का भाव जला भी नहीं। केशव चंद्र कोई सेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तो श्री रामकृष्ण केशव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, देखो कितना अभिमान शून्य। और उसके बाद अधर सेन बैठे हुए थे, हमने भी सुना देखा, अधर है, मास्टर हैं, दूसरे भी कुछ भक्त हैं। श्री रामकृष्ण अधर से कहते हैं, श्री रामकृष्ण के ये अधर बहुत परम भक्त थे, ये डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, और श्री रामकृष्ण वचनामृत में कई बार उसका संदर्भ आता है। वह अधिक उच्च पदवी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, ऊंची पोस्ट के लिए, श्री रामकृष्ण उनको मना कर रहे थे कि क्या करोगे, जब ही इतने में ही तो आप संतुष्ट कर लो। लेकिन वो बार बार उनसे कहते हैं कि आप कृपा मां से प्रार्थना कर दीजिए इत्यादि। तब वो कहते हैं अधर, श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे जो है उससे संतोष करो। फिर अधर कहते हैं अच्छा नरेंद्र, नरेंद्र को 100 रुपए की नौकरी है, अगर 150 रुपए की नौकरी मेरी तो लेगा कि नहीं लेगा? श्री रामकृष्ण उसका कहते हैं अरे वो उस बात को छोड़ो, उस बात को मत लाओ। श्री रामकृष्ण कहते हैं इज नॉट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यह अधर श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें मना किया था कि घोड़े पर मत चढ़ाओ, उनको अपने काम के लिए घोड़े पर चढ़कर जाना पड़ता था, और घोड़े पर चढ़कर एक बार एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। श्री रामकृष्ण की जीवित दशा में ही मृत्यु हो गई। श्री रामकृष्ण को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। तो जो हो, अधर से श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो तुम्हारे अपने बड़े विद्वान, फिर डिप्टी हो, इतने विद्वान हो, डिप्टी हो, फिर भी स्त्री के ऐसे वश में हो,
श्री रामकृष्ण इस बारे में कई जगह कहते हैं कि बहुत मूछ वाला पहलवान हो, मोटा ताजा हो, लेकिन वो एक दुबली पतली स्त्री के बस में रहता है। श्री रामकृष्ण इसकी मजाक खूब करा किया करते थे। दो बातों की बात उल्लेख हो गया, एक अहंकार की बात और दूसरी ये स्त्री के वश, काम का समस्या, उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है वो गुलाम जैसा हो जाए। लेकिन आगे क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण, आगे बढ़ो, चंदन की लकड़ी के बाद भी और अच्छी अच्छी चीजें हैं। चंदन की खान, चांदी की खान, उसके बाद सोने की खान, उसके बाद हीरा जवाहरात। लकड़हारा वन में लकड़ी काट रहा था, इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा आगे बढ़ो। ये जो आगे बढ़ने का संदेश है श्री राम कृष्ण का, ये हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी 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 108 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, हम 10 साल से साधना कर रहे हैं, 20 साल से साधना कर रहे हैं, जहां है वहां के वहीं रहते, आगे नहीं बढ़ते। श्री रामकृष्ण दृष्टांत के द्वारा कहते हैं, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, एक ब्रह्मचारी आए, सन्यासी आए, उसने प्रणाम किया, आइए महाराज मेरी कुटिया में आइए, उसको खाना वीना खिलाया, सेवा की। ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे आगे बढ़, आगे बढ़। अच्छा महाराज, उसका तो काम संतोष हो गया, उनके आशीर्वाद मिल गया, संतोष। कुछ दिनों तक लकड़ी काटता रहा, फिर अचानक उसको ध्यान आया, बाबा जी ने कहा था आगे बढ़ो और तू कुछ नहीं कहा था। अच्छा कल मैं जाऊंगा। वो आगे बढ़ता है, देखता है उस लकड़ी के जंगल के आगे चंदन का जंगल में, वाह बड़ा खुश, लकड़ी काटी, चंदन को बेचा और माला माल हो गया, मकान बन गया, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया, खूब आनंद। कुछ साल बीत गए, फिर अचानक लेटे लेटे सोच रहा था, बाबा जी ने आगे बढ़ने को कहा था, चंदन की खान तक जाने को, चंदन के जंगल तक तो नहीं जाने को कहा, तो कल मैं आगे जाऊंगा। आगे गया, फिर वही चांदी की खान मिली, सोने की खान मिली, हीरा जवाहरात की खान। आध्यात्मिक जीवन में दो बातें याद रखने की, पहली, देर इज नो लिमिट टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, देर इज नो लिमिट टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कोई प्रगति की कोई लिमिट नहीं है, संसार में भी यही बात है। लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना, उसके बाद और भी बढ़ते चले जाता है। आध्यात्मिक जीवन में भी there are levels, stages, grades, और सभी शास्त्रों में उसका वर्णन है। स्वामी यतीश्वरानंद जी स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट समझाते हुए कहते हैं, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ पुस्तक में उन्होंने कई स्टेजेस बनाई है। पहली स्टेज के व्यक्ति किसी के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति या किसी इष्ट के प्रति आकृष्ट होता है। दूसरी स्टेज में वह और अधिक उनको में प्रकाश देखता है। तीसरी स्टेज में वो समझता है कि मैं भी आत्मा हूं, लेकिन मेरे जो इष्ट हैं उनमें बहुत अधिक प्रकाश है। इस प्रकार से धीरे धीरे कई स्टेजेस बताई गई। जैन धर्म में 14 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक विकास के 14 स्तर। ईसाई संत टेरेसा, सेंट टेरेसा ऑफ अविला, ये मदर टेरेसा नहीं, सेंट टेरेसा ऑफ अविला, उन्होंने एक इंटीरियर कैसल, आंतरिक दुर्ग, एक महल हमारे मन में, हमारे आध्यात्मिक चेतना में एक महल है, 7 मेंशंस, उसमें 7 महल यानी एक के बाद एक उसमें स्तर। इस प्रकार के प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक शास्त्र में आध्यात्मिक विकास के लेवल्स बताए गए। हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना,
बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, यतीश्वरानंद जी को कहा, स्ट्रगल स्ट्रगल, संघर्ष करो संघर्ष करो। तीन बार कहा, पहले किया था, अब करो, अब आगे करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आध्यात्मिक जीवन का कोई शॉर्टकट, छोटा रास्ता नहीं। आपको कीमत तो पे करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जो अगर आपको आध्यात्मिक अनुभूति चाहते हैं तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। और यहीं पर सब अधिकांश लोग गड़बड़ा जाते हैं, कीमत देने की तैयारी नहीं है। हाँ, जो कीमत है आजकल, सोने की कीमत क्या 30,000 है, 30,000 तो देना तो पड़ेगा। और ये तो आप ऐसा हीरा है, आध्यात्मिक जीवन का हीरा है, उसकी सोने से कई गुना अधिक उसकी वो है, करोड़ अरब रुपए का है। वो अगर चाहते हैं तो उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। ये कुछ आध्यात्मिक जीवन के प्रिंसिपल्स हैं, इनको अच्छी तरह मन में बिठा देना चाहिए। अधिकांश लोग, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग के लिए आध्यात्मिक जीवन धर्म है, आश्रम में जाना, प्रवचन पढ़ना, जरा नाम जप कर लेना, शांति पा लेना, ठीक है, ये भी ठीक है। श्री रामकृष्ण इसके लिए भी कोई बुरी नहीं बात कहते हैं, जैसे हो जैसा करो, जिसको जैसा है वो करो। लेकिन जो उनके अंतरंग शिष्य थे, उन लोगों से खूब तपस्या करवाई उन्होंने। अरे खजाना है भीतर, अद्भुत, बड़ा विशाल खजाना है, उस खजाने को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। और पता नहीं आप लोगों को खजाने के बारे में मालूम है कि नहीं, कुछ कहानियां हैं खजाना कैसा होता है। तो खजाने का मतलब यह नहीं कि आपने आप बैंक में जाके एक लॉकर रखे दें, लॉकर उसमें हम अपने जेवरात वगैरह सब उसमें रख देते हैं। 20, 50, 100, 200, 500 तोला सोना उसमें रख दिया। किसी का बड़ा लॉकर होगा, इतना सारा है उसके पास, ये खजाने हो गया। खजाने ऐसे होते हैं कि आधा चंडीगढ़ के नीचे जमीन में हीरे जवाहरात मोती भरे, महाराजा रामनाथ श्री रामकृष्ण के ने उनको सम्मान दिया था। माँ शारदा वहां गई थी महाराजा रामनाथ के पास, जब उनको पता चला कि ये श्री रामकृष्ण की गुरु पत्नी है तो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि इनको हमारा खजाना खोल के दिखा दो, जो चाहे वो ले ले। बड़ा इतना जैसे समझ लीजिए इतना हॉल पूरा भरा हुआ, हमने हीरे जवाहरात सोने के लिए, और कहा माँ आप जो चाहे सो ले। माँ घबराई, माँ ने ठाकुर से प्रार्थना की, भाई ये क्या कर रहे हो, क्या चाहिए? देखिए मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सब ठीक ठाक है। तो मंत्री जो था वो चतुर था, ये बिटिया जो है वो तो कुछ चाहेगी, राधु। तो राधु को कहा, माँ घबराई, हे भगवान, भाई राधु सोना चांदी हीरा जवाहरात के ऊपर आकृष्ट न हो जाए। राधु देख के बोलती, ये मैं क्या करूंगी, मेरी जो पेंसिल है वो खो गई है, मेरे को पेंसिल दे दो। मां लंबी सांस ली, पर मैं जो कह रहा था कि ये तो अमृत का सगुर समुद्र है, सागर है, लेकिन हमको लगता है, नहीं लगता ना, दुर्भाग्य, संसार के छोटे मोटे सुख भोग उसी से हम संतुष्ट हैं, वो अमृत के सागर में डूबना नहीं चाहते, उस खजाने को प्राप्त करना नहीं चाहते। हम ये नहीं सोचते कि इसके आगे भी सोने की खान, उसके बाद में हीरा मोनी इत्यादि की खान। श्री राम कृष्ण यही कहते हैं, आगे बढ़ो आगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अनंत समुद्र, अनंत आनंद का सागर, हम नहीं जा पाते, हमारा दुर्भाग्य है, संसार के बंधन। और अगर हम आगे बढ़े, याद रखिए, तो भगवान सहायता करेंगे, वो तो चाहते हैं कि आए,
एक कदम आगे बढ़ेंगे भगवान 10 कदम हमारे, बीच में हमें कहीं रुकना नहीं। श्री राम कृष्ण ये बात अधर से कहते हैं, भाई बहुत आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कहां रुके हुए हो तुम, और आगे बढ़ो। शिव मंदिर से उतरकर श्री राम कृष्ण आंगन में से होकर अपने कमरे की ओर आ रहे हैं, साथ हैं अधर, मास्टर आदि भक्तगण। इसी समय विष्णु घर के सेवक पुजारी श्री राम चटर्जी ने आकर समाचार दिया, शिशि मां की नौकरानी को हैजा हुआ है। थोड़ा सा इंटरल्यूड, एक कहानी अच्छा हो जाता है, लगता है बड़ी सीरियस बात में से थोड़ी सी कहानी आ गई, वचनामृत का एक सौंदर्य बना रहता है। राम चटर्जी श्री राम कृष्ण के प्रति कहते हैं, मैंने तो 10 बजे कहा था, आप लोगों ने नहीं सुना, कुछ करना चाहिए था, उसका ट्रीटमेंट करिए, हैजा हो गई, मर जाएगी। पहले जमाने में हैजे से लोग बहुत मरा करते, वो ORS का उपाय नहीं था, उल्टी भी होती थी, वॉमिटिंग भी होती थी, और टट्टी भी हो रही थी, उसको खास करके टट्टी ज्यादा होती थी, उसको अगर आप ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिलाते जाओ तो धीरे धीरे वो कम हो जाए। आजकल तो नहीं होता, ट्रीटमेंट बहुत आ गए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं क्या करूं भाई। रामचटर्जी जी कहते हैं, आप क्या करेंगे, राखाल रामलाल ये सब थे, उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया। मास्टर ने कहा, किशोरी गुप्त दवाई लेने के लिए गया है आरम बाजार से। श्री राम कृष्ण पूछते हैं, क्या अकेला ही, कहां से लाएगा। मास्टर ने कहा, और कोई साथ नहीं है, आरम बाजार से लाएगा। श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं, जो लोग रोगी की देखभाल कर रहे हैं उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होगा और रोग कम होने पर क्या खाएगी, यह भी बता दो, इत्यादि बात हुई। मास्टर कहते हैं, जी हां, ये छोटा सा एक हुआ। अब भक्त स्त्रियों ने आकर प्रणाम किया, उन्होंने विदा ली। आप जानते हैं, दो स्त्रियां आई थी, दो बहुएं थी। श्री रामकृष्ण उनसे फिर बोले, शिव पूजा कैसे कहा, जैसे कहा वैसा किया करो और खा पी कर आया करो, नहीं तो मुझे कष्ट होता है, स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना, ऐसा कहके वो रवाना हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण के गोल बरामदे में आकर बैठे, पश्चिम के गोल बरामदे में आकर बैठे। गंगा की तरफ एक गोल, छोटा सा गोल बरामदा है, अगर आप फोटो देखें तो उसमें आप देख सकते हैं। बंदोपाध्याय हरि मास्टर आदि सब बैठे हैं। बंदोपाध्याय के सब पारिवारिक कष्ट श्री रामकृष्ण जानते हैं, कोई बंदोपाध्याय भक्त है उनको कष्ट, क्या कष्ट है यहां कुछ नहीं बताया, आर्थिक कष्ट है या पुत्र पौत्रों का कष्ट है या पत्नी के कारण समस्या है, ये कुछ नहीं रखा है यहां पर। इसके आगे श्री राम कृष्ण कहते हैं, देखो एक कोपीन के लिए सब कष्ट हैं, विवाह करके बाल बच्चे हुए हैं इसीलिए नौकरी करनी पड़ती है, साधु कौपीन लेकर परेशान है, संसार परेशान है, संसारी परेशान है भारिया को लेकर, पत्नी को लेकर, फिर घर वालों से के साथ बनाव नहीं है इसीलिए अलग मकान करना पड़ा। हंसकर श्री राम कृष्ण कहते हैं, चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा था, सुनो सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीव की कभी कोई गति नहीं। एक सुनो सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवेर कोनो गति नाई, बंगाली में हो इसको यहाँ पे ट्रांसलेशन के कहा। संसार तो लगा ही हुआ है, संसारियों के साथ भी लगा है और सन्यासियों के साथ भी लिखा है, साधु भी है तो एक कॉपीन के लिए उसको समस्या होती है। जानते हैं ना कहानी, श्री राम कृष्ण सुनाया करते थे कि एक साधु था, केवल एक कॉपीन थी और कुछ नहीं, एक कुटिया थी उसमें रहता था, अब चूहा कहीं से आ गया, कौपीन सिखाए सुखाई थी उसने चूहे ने काट ली, अब क्या करे बेचारा। तो जब भिक्षा मांगने गया तो किसी से पूछा कि बाबा एक थोड़ा सा कपड़ा दे दो मुझे कौपीन के वास्ते, ले लिया। कुछ दिनों बाद फिर कट गया, फिर भिक्षा मांगने गया तो कहे कपड़ा मांगा, देखे बाबा जी कब तक तुमको कपड़ा देंगे, क्या बात है, ये चूहा काट देता, अरे तुम बिल्ली रख लो ना, चूहे की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बिल्ली रख ली है, अब भिक्षा मांगने जाते थे बिल्ली के साथ में, बिल्ली कहते भिक्षा मांगते थे भैया तेरे को दूध भी दे देना बिल्ली के लिए,
फिर लोगों ने कुछ दिनों बाद कहा, अरे बाबा कब तक दूध देंगे, तुम्हें गाय पाल लो। गाय पाली और गाय के लिए चारा चाहिए, लोगों ने कहा खेत ले लो। अब खेत को संभालने के लिए फिर विवाह कर लो एक कौपीन के वास्ते। तो हम जानते हैं साधु है ना, तो पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, चले जाते थे एक झोला लेके और वो गाजीपुर आश्रम में चले जाते थे, कुटिया में भिक्षा मांग के खाते थे, दो चार किताबें रहती थी बस, गर्मी के दिनों में एक दो स्वेटर और कंबल। और सेक्रेटरी बन गए, बूढ़े हो गए हैं तो इतनी सारी चीजें। ये संसार जो है वो हमारे साथ रखा हुआ, इसीलिए श्री रामकृष्ण बड़े पर्टिकुलर थे। मजाक में लोग कहा करते थे कि हमको भी अगर मथुर बाबू मिल जाए तो हम भी ब्रह्मंस बन जाएं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं तो सब ठीक है, सभी भक्त ब्रह्मंस बन जाएं। तात्पर्य यह है कि गृहस्थी में भी प्रॉब्लम है, संन्यासी के लिए भी प्रॉब्लम है। बड़ा सावधान होकर सदा संसार में के विवाह किया है, बच्चे होंगे तो सारी समस्या, सबकी पुत्र उनकी लोगों की समस्या है, घर वालों की समस्या है, परिवार के दूसरे लोगों की समस्या है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, नित्यानंद चैतन्य देव बंगाल के जो संत हैं वो चैतन्य देव नित्यानंद से कहते हैं, सुनो सुनो भाई नित्यानंद भाई, संसारी जीव की गति नहीं, उसका कोई उपाय नहीं, बड़ा मुश्किल है, एक के बाद एक संसार के चक्कर में हम फंसते चले जाते। मास्टर मणिमन कहते हैं, संभव है, श्री रामकृष्ण अविद्या के संसार की बात कर रहे हैं, संभव है अविद्या के संसार में संसारी जीव रहते हैं। संसारी जीवों की तो बात यही है जो नित्यानंद भाई, संसारी जीव जो अविद्या भोग में पड़े हुए हैं वो फिर निकल ही नहीं पाते, निकलने का प्रयत्न भी करें तो बहुत सारे बाधाएं बाउंडेजेस होते हैं, उनमें से निकलना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। श्री रामकृष्ण मास्टर को दिखाकर बंदोपाध्याय के प्रति कहते हैं, ये सभी अलग मकान लेकर रहते हैं, ये लोग भी बेचारे मकान अलग लिया पिताजी से, आप विमाता है दूसरी माता है उनसे पटता नहीं, संसार के चक्कर में अगर भजन करना है तो फिर अलग लेके, जितनी झंझट कम हो उतना। और ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, कभी कभी हमारे पास भी लोग आकर बातचीत करते हैं, ऐसा ऐसी बात है क्या करें कैसे रहें, संसार में जो हम रहते हैं तो हम तो अकेले हैं, हमारे माता पिता पसंद नहीं करते या सास ससुर पसंद नहीं करते, हम आश्रम में जाए क्या करें, इत्यादि इत्यादि बातें होती रही। तो जो हो एक यहां पर यह बात बताई। उसके बाद में श्री रामकृष्ण ने मास्टर का रेफरेंस दिया कि ये नए मकान में दूसरे मकान में रहते हैं। एक समय दो मनुष्यों की भेंट हुई, घूमते फिरते मिल गए। उसने कहा तुम कौन हो, देखिए मैं फॉरेनर हूं विदेशी हूं। उसने पूछा और तुम कौन हो, कि मैं विरही हूं, उसका देश छूटा है मेरा प्रेमी छूटा है, विरही हूं, कहीं ना कहीं पे समस्या है। तो एक साधु उसको भी समस्या, एक गृहस्थ उसको भी समस्या, श्री रामकृष्ण ने एक मजाक के रूप में इस बात को कही। परंतु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता, वे ही रक्षा करेंगे। जैसा कहा संसार साधु के पीछे भी संसार लगा है, संसार गृहस्थों के पीछे लगा है, लेकिन भगवान को पकड़े, व्याकुल होकर भगवान को पुकारे तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं, रास्ता निकाल देते हैं, सभी बातों को अनुकूल कर देते हैं। व्याकुल होकर पुकारने पर शरणागत होकर प्रभु मैं तो तुमको चाहता हूं, मेरे पर कृपा कीजिए। हरि पूछते हैं, अच्छा कुछ लोगों को उन्हों प्राप्त करने में इतना विलंब क्यों होता है। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, गृहस्थ लोगों को संसारी लोगों की हमारी समस्या के बारे में कर रहा है। अच्छा कुछ लोगों को उन्हें यानी परमात्मा को प्राप्त करने में उतना विलंब क्यों होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं,
बात क्या है जानते हो? भोग और कर्म समाप्त हुए बिना व्याकुलता नहीं आती। व्याकुलता, श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, अगर व्याकुल होकर भगवान को पुकारो तो कितने दिन में भगवान के दर्शन होंगे? 3 दिन। 3 दिन में रोकर पुकारो भगवान को, 3 दिन में दर्शन हो सके, इतना शॉर्ट कर दिया, और नहीं तो 3 जन्मों भी नहीं होगा। व्याकुलता, इंटेंसिटी, तीव्रता, आवश्यकता चाहते हो क्या? यू रियली नीड? जैसे बच्चा रोता है, श्री राम कृष्ण बार बार अनेक दृष्टांत देकर कहते हैं, बच्चा हाथ पैर पकड़कर मां के सामने रोता है, मुझे को पैसा दे पतंग लाऊं। मां कहती है कि बाबूजी नाराज होंगे, पतंग मलाएगा क्या, उत्पात मचाएगा? नहीं, नीचे जमीन पर लौट कर जोर जोर से रोता है, तब मां पैसा फेंक देती, जा। इसी प्रकार से अगर मां जगदम्बा के लिए रोए तो सीधा हो जाए, पर रोना क्यों नहीं आता, व्याकुलता क्यों नहीं आती? श्री राम कृष्ण कहते हैं, भोग और कर्म समाप्त हुए बिना व्याकुलता नहीं आती। ये भोग और कर्म दोनों एक ही। हमने जो पूर्व जन्म में शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उसका फल हमको भोगना पड़ता है, और ये फल 2 प्रकार का होता है, एक दुख का फल और एक सुख। जो शुभ कर्म किए हैं उसके कारण हमें सुख मिलता है, शुभ कर्म अच्छे कर्म किए हैं, पाप पुण्य कर्म किए हैं तो हमें सुख मिलेगा, किसी की सेवा की, दया की, सत्य बोला, तपस्या की, तो उसका शुभ फल मिलेगा, आपको सुख प्राप्त होगा। और अगर आपने पाप किया है तो दुख मिलेगा, किसी को कष्ट दिया, हत्या की, गाली दी, चोरी की, तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। तो ये कर्म जब हम सकाम रूप से करते हैं, इस भाव से करते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं, तो उसका फल होगा ही, और जब तक फल नहीं होगा, पूर्ण नहीं होता, तब तक व्याकुलता नहीं आती। व्याकुलता आ रही है मतलब समझिए कि धीरे धीरे कर्म जो है हमारे क्षय हो रहे हैं, अब भगवान में मन लगने लग जाएगा। वैद्य कहता है दिन बीतने दो, उसके बाद साधारण साधारण औषधि से ही लाभ होगा। नारद ने राम से कहा, राम तुम अयोध्या में बैठे हो, रावण का वध कैसे होगा, तुम तो उसी के लिए अवतीर्ण हुए हो। राम ने कहा, नारद समय आने दो, रावण का कर्म क्षय होने दो, तब उसके वध की तैयारी हो, पाप करने दो उसको, उसके बाद में वध की तैयारी। कंस का भी तो है ना, कंस की भी कथा है, वो कंस तो 8वें देवकी के 8वें संतान से उसको भय था, पहली संतान है उसने कहा मेरे को कुछ नहीं लेना देना, तो नारद जी ने आज के उकसाया, अरे 1 2 3 4 5 है, सर्कल में काउंट करो तो कौन सा पहला और कौन सा आखिरी, ये पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, मार डालो। क्यों? वो चाहते थे कि उसका पाप कर्म बढ़े, पाप कर्म बहुत किया है उसका, पाप बढ़ते जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, अपने आप पाप के फल के कारण उसका नाश अपने आप हो जाएगा, फिर इजीली हो जाएगा। अगर उसने इतना पाप नहीं किया तो भगवान उसको मार भी नहीं सके। तो इसीलिए ये यहां भी कहा राम ने, नारद समय होने दो, रावण का कर्म क्षय होने दो, पाप उसने किया है उसे करने दो, करने जो भी करना है करने दो, उसका भोग होने दो, सब कुछ जब भोग हो जाएगा अपने आप, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, झटपट से हो जाएगा। और जिसका पाप क्षय नहीं हुआ है आप उसको किसी तरह मार भी नहीं सको, जब तक कर्म फल है तब तक ठीक है, लेकिन बिना उसके किसी व्यक्ति को मारना भी संभव नहीं। तात्पर्य यह है कि व्याकुलता भोग और कर्म समाप्त हुए नहीं बिना नहीं आ सकती। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति है तो क्या इस प्रोसेस को तीव्र किया जा सकता है?
एक योग की प्रक्रिया है जिसके द्वारा योगी क्या करते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं वो काय व्यूह के द्वारा यानी अपने शरीर से, योग के द्वारा अपने शरीर से 7-8 शरीर 9 शरीर और बना देते और उन शरीरों में हमारे जो कर्म के फल हैं उसको भोग लेते हैं, जिससे शीघ्र मुक्ति हो जाती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचमुच उसको करना चाहे उसके अतिरिक्त कठिन है व्याकुल होना, व्याकुलता ही नहीं आती ना, कर्म फल को काटना कभी कभी अपने हाथ में नहीं होता, भगवान की कृपा से ही होता है और जब तक वो नहीं होता तब तक नहीं होगा। नारद जी की भी तो कहानी है, एक जन्म में नारद जी भगवान की बहुत भक्ति की, उपासना की, उसके बाद में प्रार्थना की दर्शन दो दर्शन दो, तो शायद एक बार दर्शन दिया और उसके कहा कि इसके आगे और दर्शन इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म। तो कर्म फल है, जितना जन्म है जब जो लिखा हुआ है वो उसको बदलना बहुत कठिन। ये श्री राम कृष्ण ने उसका जो प्रश्न था हरि का, अच्छा कुछ लोगों को उन्हें प्राप्त करने में उतना विलंब क्यों होता है, इसका उत्तर दिया। इसका मतलब क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे जाएं, बैठ जाएं, ये नहीं। जहां तक संभव हो प्रयत्न करना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। कर्म फल की बात, वो तो कर्म के कारण सुख दुख जो है वो मिलता रहे। दूसरा प्रश्न हरि पूछते हैं, अच्छा संसार में इतने दुख क्यों, संसार में इतने दुख क्यों? स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं इसके उत्तर में, वो कहते हैं कि संसार में सुख भी है दुख भी है, कोई भी सुख बिना दुख के नहीं आता। वो कहते हैं कि सुख व्यक्ति के पास दुख का मुकुट पहनकर आता है, यानी उसके साथ दुख लगा ही हुआ। इसीलिए योगी संसार के सभी सुखों को भी दुख मानते हैं, है ना, पातंजल योग सूत्र में है, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधा सर्वम दुखम विवेकी नाम, विवेकी विकी विवेक यानी विवेकवान बुद्धिमान समझदार विचारवान व्यक्ति के लिए, योगी के लिए जो दुख है उसको तो दुख हम मानते हैं, बीमार हुए तो हम मानते हैं कि दुख हुआ, हाथ में चोट लगी तो हम मानते हैं दुख हुआ, हमारा धन का नाश हुआ, हमारे प्रियजन का कोई कष्ट हुआ तो दुख हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन जब सुख होता है तब उसको सामान्य व्यक्ति तो सुख मानता है, जो विवेकी व्यक्ति है उसमें भी वो दुख देखता, कह रहे इसके पीछे परिणाम में दुख होगा। ताप, सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ा उसका कष्ट परिणाम ताप, उसके बाद संस्कार पड़ जाएगा, सुख मिला है तो संस्कार पड़ गया, अब सुख की इच्छा होती होगी, और गुण वृत्ति विरोध, खाने की इच्छा है लेकिन डायबिटीज हो गई नहीं खा सकते, नींद आ गई, तमोगुण आ गया, ये इस प्रकार से सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तात्पर्य यह है कि सुख और दुख सदा हमेशा साथ में रहते हैं, और इसलिए केवल सुख प्राप्त करने का प्रयत्न अगर करना नहीं करते, सामान्यतः योगी नहीं करते, सुख के पीछे मत जाइए, जो आपको प्राप्य होगा वो तो प्राप्त हो ही जाए, सुख के साथ दुख भी आपको मिल ही गए, उस सब दोनों बातों को छोड़कर भगवान में मन लगाए। प्रश्न है, अच्छा संसार में इतने दुख क्यों है? तो मैंने एक तो उत्तर दिया, कर्म के कारण, जैसा हमने पहले किया है, शुभ कर्म के कारण सुख, अशुभ कर्म के कारण दुख। लेकिन श्री राम कृष्ण यहां पर एक दूसरा दृष्टांत या दूसरा कारण बताते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं यह संसार उनकी लीला है, खेल की तरह है, इस लीला में सुख दुख पाप पुण्य ज्ञान अज्ञान भला बुरा सब कुछ है, दुख पाप ये सब नहरे न रहने से लीला नहीं चलती, इट्स ए प्ले,
उनका खेल की तरह है, तो खेल में हार जीत तो होगी, बिना उसे खेलते नहीं रहेगा। केवल हार ही हार, केवल जीत ही जीत, या केवल हार ही हार तो नहीं होती, हार भी होती है जीत भी होती है। तो इसलिए कहते हैं लीला में सुख दुख पाप पुण्य ज्ञान अज्ञान भला बुरा ये सब होगा, ये जगत का स्वभाव है, ये तो होगा ही, बिना उसके जगत का चलेगा नहीं। सत्व रज तम ये तीन गुणों का मिश्रण होगा ही, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। रामराज्य था ना, सब बढ़िया था, उसमें सीता जी का वनवास भी हुआ, तो सब संसार में कोई भी ऐसी परफेक्ट सिचुएशन जैसी चीज नहीं है। लीला में दोनों तो होंगे, लुका लुकोल खेल में घूंटी छूना पड़ता है, खेल के प्रारंभ में है, ढाई छूने पर वह संतुष्ट नहीं होती। वो खेल है ना, आप जानते हैं ना, बच्चे मालूम होगा, एक एक व्यक्ति को बिठा दिया है, एक बच्चे को बिठा दिया, और बच्चे सब खेलते रहते हैं, एक उसको पकड़ेगा हाँ, और वो दौड़ते रहते दौड़ते रहते हैं, जब पास में आए तो जाके उसको छू दो तो बच गए आप हाँ। एक पहले ही अगर छू दें सब जाते तो खेल होगा ही नहीं। तो अगर खेल चलना है तो पहले ही सबको मुक्त करने से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा चल खेल चल लेते। इसलिए वो ढाई की इच्छा है कि खेल कुछ देर तक चल रहा है, चलता रहे, उसके बाद लाखों पतंगों में से दो एक कटते हैं, मां तब तुम हंसती हुई हथेली बजाती हो। पतंग उड़ रही है, एक दो पतंग कट जाती है। यहां पे तो पतंग के खेल होते हैं कि नहीं चंडीगढ़ में? उधर तो गुजरात में तो खूब जम के हो, जो भी हो, जब पतंग कट गई तो लोग खुशी होते हैं, काटा है काटा है, हाथ ताली बजाते हैं। तो सब तो नहीं कटती, दो चार कटती, ज्यादा नहीं कटती। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो चार लोग ये सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं, बाकी संसार में ही रहते हैं, संसार की लीला चलती रहती। अर्थात ईश्वर का दर्शन करके एक दो व्यक्ति ही व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, बहुत तपस्या के बाद उनकी कृपा से। दो बातें, तपस्या भी होनी चाहिए, कृपा भी होना चाहिए। कुछ तपस्या नहीं करें तो नहीं होगा। श्री राम कृष्ण मां शारदा कहती हैं जो कुछ होता है सब भगवान की कृपा से होता है। मैंने लोगों को दृष्टांत दिया ना आपने, कई लोगों को अलग अलग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि 90% भगवान की कृपा से होता है, 10% हमारी पुरुषार्थ से होता है, तपस्या से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 75% भगवान की कृपा से होता है, 25% हमारे पुरुषार्थ से तपस्या से होता है। अब ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दीजिए, प्रश्न ये है भगवान की कृपा से होगा लेकिन हमें कुछ न कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। भगवान करा लेते हैं, तपस्या करा लेते हैं, कृपा करते हैं तो फिर कष्ट भी दे देते हैं, पहले सब कष्ट दे दुआ के उसके बाद में कृपा भी। तो कहते हैं दोनों चीजें की आवश्यकता है, बहुत तपस्या के बाद उनकी कृपा से, नहीं तो सभी लोग कृपा ही कृपा, तो सब कृपा पे बैठे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 100% पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो, दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से शरणागत होना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान। जब सुख आए तो भी भगवान की कृपा पर आश्रित, दुख आए तो भी भगवान की कृपा पर आश्रित, ऐसे बहुत दुर्लभ। गिरिशंद्र घोष एक थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, पुत्र की मृत्यु हुई, चुपचाप प्रभु ने मेरा पावर ऑफ अटर्नी ले लिया है, मेरा बकलमा ले लिया है, वकालतनामा ले लिया है, जैसे रास्ते से ले जाएंगे वैसे। उनको खुद तपस्या नहीं करनी पड़ी, भगवान ने तपस्या या कष्ट देकर कष्ट दिला ली। तपस्या का अर्थ भी तो कष्ट सहनम होता है, तो क्लेश सहन करना। तो यहां दोनों बातें की श्री राम कृष्ण बात करते हैं, कृपा भी चाहिए और तपस्या भी। और तब मां आनंद से हथेली बजाती है, ओह कट गया, यह कह हरी। किंतु कहते हैं
परंतु इसी खेल में तो हमारे तो प्राण निकले जाते हैं। भगवान का तो खेल हो रहा है, ताली बजा रही है माँ। अरे खेल होना चाहिए, खेल होना चाहिए, थोड़ा हार जीत होना चाहिए, समस्या होनी चाहिए, तब तो मजा आएगा। लेकिन हमारे तो प्राण निकल रहे हैं, हमारे को तो कष्ट हो रहा है। श्री रामकृष्ण यहां पर ज्ञान लोग ले आते हैं। या तो ये मानो कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से खेल हो रहा है। जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में साधक को कोई ना कोई दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ता है। ज्ञान का दृष्टिकोण हो, भक्ति का दृष्टिकोण हो, योग का दृष्टिकोण हो, कर्मयोग का दृष्टिकोण हो, कोई भी एक दृष्टिकोण लेकर चलना पड़ता है। और नहीं तो जीवन की समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर कहा कि संसार में दुख क्यों है, क्यों सफर कर रहे हैं, क्या भाई तुम्हारे कर्मफल के अनुसार, तो ये कर्मयोग की बात आ गई, या फिर भगवान की लीला की बात आ गई। और तीसरा दृष्टिकोण श्री रामकृष्ण कहते हैं, हंसकर कहते हैं, तुम कौन हो कहो ना, हम कष्ट पा रहे, अच्छा तुम कौन हो। ये ज्ञान का दृष्टिकोण लिया। ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं, माया जीव जगत 24 तत्व सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। अगर यह बोध हो जाए तो इस प्रश्न का समाधान हो जाए। और नहीं तो यह मानो कि भगवान की लीला है। जहां आपने अहंकार को लाया कि हमें कष्ट होगा, तो फिर तो फंसे। भगवान की लीला मेरे ऊपर हो रही है, एक संत उनके पांव में घाव हो गया, उसके अंदर कीड़े पड़ गए, निकालते नहीं, क्या ये भगवान मुझे लेकर खेल कर रहे हैं, भगवान का खेल हो रहा है, वाह क्या मजा। दूसरा है ना, श्री रामकृष्ण के समय में एक व्यक्ति, एक ऐसा ही पागल जैसा परमहंस, छोकरे उनको पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, खून निकल रहा है, वो कहते हैं क्या मजा, क्या मजा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन ये भगवान का खेल कितना मजेदार चल रहा है, मुझे लेकर भगवान खेल कर रहा है। तो ये अगर दृष्टिकोण होवे, श्री राम कृष्ण कर नहीं, तुम कौन हो कहो, ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं, ये माया जीव जगत 24 तत्व सब भगवान ही हैं, सभी एक ही परमात्मा के नाना रूप इत्यादि बने हुए हैं। सांप बनकर काटता हूं, ओझा बनकर झाड़ फूंक करता हूं। सांप बनकर भगवान काटते हैं, और ओझा यानी जिसको ट्रीटमेंट करने वाला, झाड़फूंक करने वाला ओझा भी भगवान बनते हैं। वे अविद्या, विद्या अविद्या दोनों बने हुए हैं। अविद्या माया द्वारा अज्ञानी जीव जीव बने हुए हैं, विद्या माया द्वारा तथा गुरु के रूप में ओझा बनकर झाड़फूंक कर रहे, भगवान ही सब बने। बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर। तुम कौन हो जरा विचार करो, विचार करोगे, विचार करते हुए देखोगे कि मैं भी नहीं, श्री रामकृष्ण और कहते हैं। विचार अगर करने जाओ तो देखोगे कि तुम क्यों तो मैं कष्ट पा रहा हूं, कौन हो मैं जरा सोचो तो। तुम क्या शरीर हो, ये शरीर तो मेरा है, तुमसे भिन्न। क्या तुम मन हो, मन भी तुम्हारा है, तुम नहीं हो। तुम जैसे अंदर जाते जाओगे देखोगे तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, उसको कष्ट कैसे हो। तो ये ज्ञान का दृष्टिकोण, विचार का दृष्टिकोण। अज्ञान ज्ञान विज्ञान, श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञानी देखते हैं वे ही करता है, सृष्टि स्थिति स्थिति संहार कर रहे हैं। विज्ञानी देखता है कि वे ही सब बने हुए हैं। ज्ञानी देखता है कि जगत की सृष्टि संहार सब भगवान अलग से कर रहे हैं जगत के लिए, लेकिन विज्ञानी देखता है अरे भगवान अलग नहीं है, ये भीतर ही है सब। महाभाव प्रेम होने पर देखता है उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, भाव के सामने भक्ति फीकी है,
भाव पकने पर महाभाव प्रेम होता है। ये सब बातें बहुत ऊंची, क्या महाभाव ये प्रेम, हमको सब कुछ नहीं मालूम, हम लोग तो जानते ही नहीं। हम मानवों को एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते, निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाते, स्वार्थ हमारे प्रेम में पड़ा हो, भगवान से प्रेम की बात कहां कर। बंदोपाध्याय के प्रति कहते हैं, क्या तुम अभी भी ध्यान के समय घंटे का शब्द सुनते हो? बंदोपाध्याय कहते हैं, रोज उसी शब्द को सुनता हूं, फिर रूप का दर्शन एक बार मन द्वारा अनुभव करने पर फिर क्या, क्या वह फिर रुकता है? सुंदर बात, ये बंदोपाध्याय के अच्छे साधक, उनको नाद ध्वनि सुनाई देती है, ज्योति दर्शन रूप दर्शन होता है। और एक बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, एक बार मन द्वारा अनुभव होने पर क्या वह फिर रुकता है? एक बार अगर किसी व्यक्ति को साधना में कुछ एक स्तर का अनुभव हो जावे, कोई ज्योति दर्शन होवे, कोई रूप देवे, कोई स्पष्ट अनुभव होवे, कुछ आनंद का अनुभव होए, तो क्या वो चाहेगा कि पुनः न होवे? वो तो एक से संतुष्ट नहीं होगा, बार बार चाहने प्रयत्न करना करेगा, बार बार चाहेगा, बार बार उसको चाहेगा। स्वामी रामकृष्णन जी कहते हैं कि गॉड रियलाइजेशन मस्ट बी रिपीटेड, भगवान का दर्शन बार बार करना चाहिए, जो अनुभूति हुई है उसको बार बार करना चाहिए, एक बार करने से कुछ नहीं होता। बहुत सुंदर बात, श्री रामकृष्ण हंसकर कहते हैं, हाँ लकड़ी में एक बार आग लग जाने पर बुझती नहीं। भक्तों के प्रति कहते हैं, ये विश्वास की अनेक बातें जानते हैं। बंदोपाध्याय कहते हैं, मेरा विश्वास बहुत अधिक है। श्री रामकृष्ण अपने कहते हैं, अपने घर की औरतों को बलराम की लड़कियों के साथ लाना। बंदोपाध्याय कहते हैं, कौन है कौन बलराम कौन है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, बलराम को नहीं जानते, बोसपाड़ा में घर है। किसी सरचलचित्त व्यक्ति को देखकर श्री रामकृष्ण आनंद से विभोर हो जाते हैं। बंदोपाध्याय बहुत सरल है, निरंजन भी सरल है, इसीलिए उसे बहुत चाहते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं, तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए क्यों कह रहा हूं? यह देखने के लिए कि वास्तव में वह सरल है या नहीं। सरल होना, सरल होना बहुत पुण्यों के प्रभाव से कोई व्यक्ति सरल होता। श्री राम कृष्ण बहुत सुंदर बातें करते हैं, अब हम समाप्त करेंगे, शंख बज गया है।